बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 14 के बाकी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जो आपके सिलेबस में है। इसमें फोर्टीन पॉइंट फाइव न्यूमेरिकल यू आर आस्क्ड टू डिजाइन सोलेनोइड दैट विल गिव ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक सोलेनोइड को डिजाइन करें जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो है 0.10 टेस्ला, द करंट मस्ट सी करंट है I इज इक्वल टू है 10.0 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट किया है, वो हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला जो है वी नो दैट b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, b 0.10 म्यू नॉट 4π(10⁻¹) नंबर ऑफ टर्न फाइंड करनी है, करंट है 10 एम्पीयर तो n इज इक्वल टू 0.10 4π(10⁻¹) × 10 n इज इक्वल टू 7.96 × 10⁻²। ये इतनी जो है टर्न्स आ जाती हैं हमारे पास और जो लेंथ। नेक्स्ट है 14.7 न्यूमेरिकल है, व्हाट करंट शुड पास थ्रू द सोलेनोइड। अब यहां पर उसने पूछा है कि करंट कितनी होगी, करंट कितनी होगी, लेंथ यहां पर बताई गई है, लेंथ है स्मॉल l इज इक्वल टू 0.5 मीटर। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न है, इसको कैपिटल एन के साथ हम रिप्रेजेंट करें। ये जो स्मॉल एन है इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्न है और ये है हमारे पास 10,000। टर्न ऑफ द कॉपर वायर सो दैट इट विल हैव ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है बी वो है हमारे पास 0.4 टेस्ला।
इसमें हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो पहले हमने लिखा था. We know that D is equal to mu naught n I. D है 0.4, mu naught this is got 4 pi into 10 power माइनस एफ एन. एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. और ये हमारे पास आई स्टर है. तो यूं ये हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट फोर इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई 10 पावर लेंथ है. लेंथ हमारे पास 0.5 इंटू आई. आई इज इक्वल टू है 0.4 0.5 4 pi into 10 power minus 7 into 1/4. इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 16.0 एम्पीयर इसकी करंट है. ये न्यूमेरिकल यहां पर हमने कंप्लीट की. नेक्स्ट है हम चैप्टर 15 का आगाज करते हैं. चैप्टर 15 में हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें आपने ये दो तीन चीजें हैं जिनको आपने अंडरलाइन करना है. मैं इसको पढ़ता हूं. एस वन ऑस्टेड डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. मतलब क्या है, ऑस्टेड ने क्या कहा कि आप करंट पास करते हैं, आप करंट पास करते हैं और ये करंट जो है वो क्या करती है, वो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. ये किसने कहा, ऑस्टेन ने कहा. ऑस्टेन को अंडरलाइन करें ऑब्जेक्टिव के लिए. और ये आपको पता भी होना चाहिए कि ऑस्टेन ने क्या बात कही थी. उसने ये क्या कहा था कि अगर करंट पास करें तो करंट के पास करने की वजह से उस वायर के अराउंड जो है वो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. फिर आगे लिखा हुआ है, मैनी साइंटिस्ट बिगिन टू लुक फॉर द रिवर्स इफेक्ट. मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, तहकीक करना शुरू कर दी, तलाश करना शुरू कर दी कि अगर करंट जो है की मदद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट प्रोड्यूस कर सकते. ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैनी साइंटिस्ट बिगिन टू लुक फॉर रिवर्स इफेक्ट. रिवर्स इफेक्ट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट इज टू कॉज इलेक्ट्रिक करंट बाय मीन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इन 1831 माइकल फैराडे इन इंग्लैंड. माइकल फैराडे को अंडरलाइन करें, 1831 को अंडरलाइन करें, इंग्लैंड को अंडरलाइन करें. एंड एट द सेम टाइम जोसेफ हेनरी इन यूएसए. यूएसए को अंडरलाइन करें, जोसेफ हेनरी को अंडरलाइन करें कि इन दोनों साइंटिस्ट ने 1831 में इस चीज को डिस्कवर कर लिया कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. द मूविंग कंडक्टर वाज कनेक्टेड टू सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर. मतलब क्या हुआ
कि दोनों ने क्या कहा कि अगर आप क्या करें कि ये एक आपके पास एक कंडक्टर है, ये आपके पास एक कंडक्टर है और आपने इस कंडक्टर को क्या करते हैं एक गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देते हैं और इस कंडक्टर को आप मूव करते हैं ऐसे रीजन के अंदर कि जहां पर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और ये क्रॉस हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इन टू द वाइड, ठीक है। यानी माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने क्या कहा कि आप इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करें, आप इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करें तो फिर क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर जो है यहां पर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी मतलब क्या होगा, ओस्टेड ने क्या कहा था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन माइकल फैराडे ने, जोसेफ हेनरी ने 1831 में ये प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसको प्रोड्यूस करने का तरीका था क्या बताया उसने कि आपके पास एक कंडक्टर है, आप क्या करें इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करें, जब मूव करेंगे उसके अंदर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगी। लिखा हुआ है द मूविंग कंडक्टर वाज कनेक्टेड टू सेंसिटिवल मीटर, इट वुड शो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एज लॉन्ग एज द करंट कंडक्टर इज केप्ट मूविंग द मैग्नेटिक फील्ड। यानी मतलब क्या है कि जब तक आपने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे तो लाजमी तौर पर क्या होगा जो है करंट प्रोड्यूस होगी। EMF produced in the conductor is called induced EMF and the current generated is called induced current. This phenomenon is known as electromagnetic induction. ये आपने निशान कहाँ से लगाना है? The moving conductor was connected to sensitivity meter. यहाँ से लेकर is known as electromagnetic induction तक, ठीक है? यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि define electromagnetic induction. तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी मालूमात है। तो ये आप यहाँ पर सीखेंगे कि हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जो आज हम अपने घरों में इस्तेमाल में लाते हैं, वो बिजली प्रोड्यूस होती है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, इसमें जो जो फैक्टर जो हैं वो इस्तेमाल में आएंगे वो मैं यहाँ पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।